हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल पुष्पेंद्र कुमार, लेक्चरर जीपीसी जोधपुर। टुडे वी विल डिस्कस क्वालिटीज रिक्वायर्ड इन स्टोन्स। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज द स्ट्रेंथ। फॉर ऑर्डिनरी स्टोन्स, टाइप ऑफ स्टोन्स हाउसेज एनी गुड रॉक्स बीइंग ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर द सेम पर्पज विल नॉर्मली पोसेस द सफिशियंट स्ट्रेंथ टू बियर द यूजुअल लोड्स, बट इंजीनियर मस्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द स्ट्रेंथ पैरामीटर्स ओनली आफ्टर टेस्टिंग द अकॉर्डिंग। इसको अगर हम हिंदी में कहें तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे जो घरों में पत्थर प्रयोग होते हैं वो नॉर्मली सफिशियंट स्ट्रेंथ के होते हैं, लेकिन और बहुत सारी इमारतों के लिए जो पत्थर है उसके लिए इंजीनियर्स टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में जो अपनी पहली टेस्टिंग है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इट इज़ द मेन क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग स्टोन एक्सप्रेस एज मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया। द प्रॉपर्टी कैन बी इजिली टेस्टेड बाई सिविल इंजीनियरिंग लेबोरेटरी इन यूएस टेस्टिंग मशीन UTM। UTM पे आप लोगों ने कार्य किया हुआ है। UTM में हमारे स्टोन्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 280 से 2800 किलोग्राम पर cm स्क्वायर आनी चाहिए। सेकेंड स्ट्रेंथ इज ट्रेजर स्ट्रेंथ। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू ए बेंडिंग लोड्स। इन द केस ऑफ बिल्डिंग स्टोन इज टू बी वेलवेटेड ओनली वैन द स्टोन इज टू बी यूज एज बीम और ए लिंटर। द प्रॉपर्टी इज कॉमनली डिटरमाइंड द मॉडुलस ऑफ रप्चर। और रप्चर की वैल्यू जो है वो आर की वैल्यू हमारी 20 किलोग्राम से 30 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। तीसरी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो शियर स्ट्रेंथ है। शियर स्ट्रेंथ स्टोन ऑफ गुड क्वालिटी आर ओफन यूज एज पायर्स एंड कॉलम्स स्पेशली इन द मोनूमेंटल बिल्डिंग्स। इन सच सिचुएशन द स्टोन इज टू विद स्टैंड सीयर टाइप ऑफ लोड्स, हैंस इट मस्ट बी पॉसिस सफिशियंट स्ट्रेंथ। द सीयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग स्टोन लाइज बिटवीन द 70 to 160 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी सीयर स्ट्रेंथ हमारे बिल्डिंग स्टोन की 70 से 160 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। हमारी चौथी रिक्वायरमेंट है हार्डनेस। हार्डनेस किसी भी स्टोन की जो होती है वो उसकी स्क्रैचिंग और एब्रेशन के आधार पर निकाली जाती है। द हार्डनेस ऑफ स्टोन डिपेंड ऑन द मिनरल कंपोजिशंस। यानी स्टोन्स के अंदर किस किस चीज़ का मिनरल है, क्या क्या मिनरल है उसके ऊपर। और रेजिस्टेंस टू वियर एंड टीयर ड्यूरिंग यूज। जब स्टोन्स को यूज कर रहे हैं तो उसको क्या वियर एंड टीयर हो रहा है और उसके आधार पर उसकी क्या स्थिति है। चौथी हमारी है टफनेस। इट इज अ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द बोथ हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ स्टोन टू विदस्टैंड इम्पैक्ट लोड। दस स्टोन टू बी यूज इन द फाउंडेशन अंडर द हैवी मशीन्स व्हेन वाइब्रेशन मे बी ए कॉमन फिनोमिना मे नॉट ओनली बी द हार्ड एंड स्ट्रोंग बट वेरी टफ ऑल्सो। वाटर एब्जॉर्प्शन इज ए वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर। बिल्डिंग स्टोन आर लाइबल टू कम इन टू कॉन्टैक्ट। जितने भी हमारे बिल्डिंग के स्टोन्स होते हैं वो एक्सटीरियर में हो या फाउंडेशन में हो, वो पानी के संपर्क में आते ही हैं। तो पानी के संपर्क में आने पे उनके साथ बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। क्वान्टिटी ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाई ए स्टोन टिल सेचुरेशन कॉल्ड वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। वाटर एब्जॉर्प्शन इज स्पेशली सिग्निफिकेंट व्हेन ए स्टोन इज यूज्ड इन फाउंडेशन इन कोल्ड क्लाइमेट वेयर फ्रीजिंग टेम्परेचर इज ए कॉमन फिनोमिना। इन सच सिचुएशन वाटर विद इन द पोर्स मे फ्रीज एंड एक्सटेंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्टोन्स बाय फ्रीजिंग वाटर इज नोन एज द फ्रोस्ट एक्शन एंड द प्रोसेस मे स्पॉइल द पोरस स्टोन्स यूज इन आउटर सरफेस और एज द कोस्टली बिल्डिंग अनलेस दे आर प्रोटेक्टिव फ्रॉम द रेन। अपियरेंस ऑफ ए स्टोन आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन द
exterior portion of a building, the appearance is important. Stones are available almost in all colors, like milky white to a pitch black. Appearance of a stone or building becomes an important factor in this selection of the, as an example, Taj Mahal at Agra was constructed with the white marble, although the red and green and pink marble are available. For the red fort in Delhi, the red fort stand stones use the red, indicate the royalty. Workability. Workability is also an important phenomena. Stones, when obtained from the natural place of the occurrence, the outcrops are quite irregular masses. They require a lot of work then before they can be converted in appropriate safe use in construction. Shape required may vary from the ordinary rectangular to square blocks of small size. The process of giving a proper shape, dimension and surface finish to raw stones before it fits to construction and called dressing. It has been observed that the stone cannot be dressed or worked easily. The cost of dressing stones per block may become an important factor in the selection of stones. Ignition rock like blast and granite are very difficult to dress and polish. Marble and limestone, however, are comparatively soft and can be in any shape. Durability. It denotes the period, years which the stones may stand practically unaltered after being used in construction. A durable stone must be withstand load, must keep the original appearance, must resist the effect of cold and heat, must not suffer deterioration and decomposition by the gases surrounding the industries. Obviously, the durability of stone does not depend on the single property, but rather a set property discussed above. It may be summarized that the stone will be durable when it has high strength for design load, it has uniform, close, packed and dense structure with very low absorption value. It made up very hard and resistant mineral constituents. It resistance to chemically reactive goods such as the sulfur dioxide and carbon dioxide. Thanks, students.